गाइस कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आप लोगों को यमाहा R15 वर्जन 2.0 के 4 से 5 एडवांटेज बताऊंगा, जो कि इस बाइक की खासियत है, क्योंकि मैंने भी इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा राइड किया है। ये बाइक मेरे भाई की है, तो मेरे को जो इस बाइक के एडवांटेज फील हुए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और आगे भी मैं बहुत सारी बाइक को रिव्यू करूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट टाइम टाइम से मिलते रहें। तो इस बाइक के सबसे पहला एडवांटेज है कि इस बाइक के स्पोर्टी लुक, मतलब इस बाइक का जो लुक है अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पोर्टी बाइक मानी जाती है। और इस बाइक की फ्रंट की आप स्प्लिट हेडलाइट देख पाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और इस बाइक की खास बात यह भी है कि इस बाइक की जो राइडिंग पॉस्चर है, एक ट्रैक में परफॉर्म करने के लिए काफ़ी एग्रेसिव है। मतलब आपका इतना एग्रेसिव लुक मिलता है कि आपको ट्रैक में परफॉर्म करते वक्त आपको आप इस बाइक की बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस बाइक का लुक काफ़ी अच्छा है, आपको एक अच्छा राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड करती है ट्रैक में परफॉर्म करने के लिए, और अपने सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश बाइक मानी जाती है। और इस बाइक का सेकंड एडवांटेज है कि ये बाइक की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब अपने सेगमेंट की बेस्ट हैंडलिंग प्रोवाइड करती है बाइक। और ये बाइक कॉर्नरिंग में भी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, जैसे आप अगर आप ट्रैक में परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका राइडिंग पोस्चर इतना एग्रेसिव है, कितना आप एनर्जेटिक फील करते हैं राइड करते वक्त, रेसिंग करते वक्त, कि आपको कॉर्नरिंग में बेस्ट कैपेबिलिटी मिलती है, आप अच्छी कॉर्नरिंग कर पाएंगे इस बाइक के, क्योंकि इस बाइक के डिज़ाइन भी काफ़ी स्पोर्टी है और साथ ही साथ में आपकी राइडिंग पोस्चर, मतलब आपकी सेटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छी रहती है। और इस बाइक के थर्ड एडवांटेज की बात करें तो ये बाइक की पावर काफ़ी अच्छी है, मतलब ये बाइक की पावर और टॉर्क काफ़ी अच्छी है। मतलब जितनी भी 150cc सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक है उसके कंपैरिजन में ये बाइक की पावर और टॉर्क दोनों सबसे ज़्यादा है। हालांकि इस बाइक का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर 150cc डिस्प्लेसमेंट वाली सेगमेंट की बात करें तो उसमें से इस बाइक का पावर और टॉर्क काफ़ी अच्छा है। और इस बाइक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इस बाइक का पिकअप, टॉप स्पीड ले लो, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है बाइक। और इस बाइक के फोर्थ एडवांटेज की बात करें, इस बाइक के जो इंजन रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छा है। मतलब यमहा के जैसे कि आप जानते हैं इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्मूथ इंजन होता है। तो ये इस बाइक का मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि ये बाइक के गियर शिफ्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा, अगर आप इस बाइक को प्रॉपर मेंटेन करवाते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा गियर शिफ्ट पैटर्न मिलता है, काफ़ी स्मूथ आपको गियर शिफ्टिंग मिलती है इस बाइक में, और साथ ही साथ में इस बाइक का इंजन भी काफ़ी रिफाइंड होता है। तो ये थे इस बाइक के कुछ एडवांटेज।